खबर सामने आई कि आंदोलन वाले पहलवानों ने होम मिनिस्टर अमित शाह से सीक्रेट मुलाकात की थी और फिर पहलवानों ने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली। इसके फौरन बाद दो डेवलपमेंट हुए। पहला ये कि सूरजमुखी यानी सनफ्लावर ऑयल पर एमएसपी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में चढ़ूनी ग्रुप वाले किसानों ने हाईवे जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद किसानों को हटाया, जबकि दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने कह दिया कि अब चूंकि पहलवानों की बात गृह मंत्री से हो ही गई है तो फिर 9 जून वाला प्लान कैंसिल। बातचीत शुरू हुई है, अभी उसके क्या रिजल्ट आए वो नहीं पता, लेकिन 9 तारीख वाला प्रोग्राम जो होगा, अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है जो दिल्ली में था, और जो भी ये डेट देंगे उस पर सब लोग हम इकट्ठे होंगे। असल में कुछ लोगों का मानना है कि जब पहलवानों के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी तो इस बारे में आंदोलन का सपोर्ट करने वाले किसानों को कोई जानकारी नहीं दी गई और उन्हें इस मीटिंग की जानकारी मीडिया के माध्यम से लगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि फिलहाल किसान पहलवानों से उचित दूरी बनाने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि अब पहलवानों ने चरखी दादरी में महापंचायत का ऐलान किया है। बुधवार को फोगाट बहनों के गाँव बलाली में महापंचायत होगी। इस मीटिंग में विनेश फोगाट और संगीता फोगाट भी मौजूद रहेंगी और महापंचायत की अगुवाई सांगवान खाप करेगी। खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहे। पहलवान लगातार कह रहे हैं कि उनका आंदोलन अभी जारी है, वो पीछे नहीं हटे, ब्रिजभूषण के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करते रहेंगे। मगर दूसरी ओर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी में देरी कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि खबर ये भी आई कि 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम गोंडा गई थी और वहां पहलवानों के आरोपों को लेकर ब्रिजभूषण के राजदारों से पूछताछ की गई। ये ऐसा मामला है जिस पर कोई कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की चीफ पीटी उषा भी कुछ कहने को तैयार नहीं। वो सोनीपत में थी, जूनियर कुश्ती के ट्रायल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची थी। तभी पत्रकारों ने पहलवानों को लेकर सवाल पूछा, मगर पीटी उषा ने सिर्फ हाथ जोड़ लिए और चलती बनी।